हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेटगेयर कंट्रोलर और एपी के बारे में। क्या नेटगेयर कंट्रोलर के साथ में हम एपी को कैसे ज्वाइन करते हैं वो सारा इस वीडियो में बताएंगे। और कंट्रोलर का जो मॉडल नंबर है वो मेरा है नेटगेयर WG7600, और जो मेरा एपी का मॉडल नंबर है वो है मेरा नेटगेयर WAC720AP। तो इन दोनों में कैसे हम ज्वाइन करते हैं वो सारा इस वीडियो में आप सीखोगे, और मैं आपको डायग्रामा थोड़ा दिखा देता हूँ। डायग्रामा से मैंने आपके सामने ये डायग्राम मिला है, तो हमने कैसे कनेक्शन किया है वो इस वीडियो में आप देखो। आपका नेटगेयर का स्विच है मेरा 24 वोल्ट का POE, और ये नीचे आप देख रहे होंगे ये मेरा कंट्रोलर है WC7600। तो हम आप देख रहे डायग्राम में प्रॉपर, और ये मेरा आउटडोर AP है, और ये नीचे लगे हुए मेरे AP है सारे WAC720, ये मेरा कंट्रोलर है। तो अब हम इनको कैसे कनेक्शन किया आप देखो। मैंने क्या किया है कि मैंने एक राउटर से केवल अपने लैन स्विच में डाली है, और एक नंबर से मैंने लैन मेरे अपने एक नंबर के लैन पोर्ट में डाली है कंट्रोलर के में, और बाकी मेरी जो भी है मेरी आप देख रहे होंगे जितने मेरी कैसे जा रही हैं, तो ये मेरे WAC720AP में जा रही हैं, अलग अलग सारी केवल जा रही हैं मेरी। तो इस तरह आप सिनेरियो देख के आप पूरा कनेक्शन कर लेंगे, और पूरा कॉन्फिगर कैसे करते हैं वो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ आपको। तो चलिए लैपटॉप की तरफ मैं आपको कॉन्फिगर बताता हूँ। फ्रेंड्स, हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। ये मेरी कंट्रोलर की IP है 192.168.0.250। तो ये मेरा कंट्रोलर का पेज है WC760V2। तो इसमें जो पासवर्ड होता है वो मैं अपना इसमें पासवर्ड डालूँगा जो डिफ़ॉल्ट आता है, देन मैं इसको लॉगिन करूँगा। आप देख रहे होंगे इसी तरह आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लोगे। लॉगिन के बाद हम पहले सबसे पहले जाते हैं एक्सेस पर, तो एक्सेस पॉइंट पर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। आप देख रहे हैं आउट ऑफ द फैक्ट्री एंड L2 सबनेट APS, तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे सबसे पहले। और कहीं आप इंस्टॉल ऑन करके चलाना, इंस्टॉल ऑन भी हो जाता है इससे। तो इस तरह मैं अभी सर्च हो रहा है मेरे AP, तो मेन पॉइंट है मेरे AP एक भी सर्च होके नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो AP लगे हुए हैं उनकी IP डिफरेंट है हमारी। तो यहाँ पे मैं अपना नाम, पूरा कंपनी का नाम और सब कुछ डाल दूँगा, कोड डालने के बाद मैं इस पर VLAN पर जाऊँगा। ये जो IP आप देख रहे होंगे, मैं इसका टाइम सेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस जगह IP चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम IP चेंज करेंगे। जो मेरी AP में डली हुई IP वो मेरी .1 की सीरीज है, सारी AP मेरी लगे हुए हैं जिसमें IP जो ले रहे हैं मेरी AP। तो मैं इस कंट्रोलर में .1 के सीरीज में डाल दूंगा IP, और देन इसको मैं अप्लाई करके सेव कर दूंगा। तो ये रूट पे चला गया है मेरा। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ दोबारा 192.168.1.240, एंटर। तो ये मेरा लॉगिन करता हूँ मैं दोबारा, इसको मैंने री लॉगिन किया, आप देख रहे होंगे। तो मैंने अपना वो जो भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वही डाला इसमें। तो आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए। तो ये लॉगिन कर लिया मैंने। लॉगिन के बाद मैं इसको दोबारा वहीं जाता हूँ, एक्सेस पॉइंट पर जाता हूँ। एक्सेस पॉइंट के बाद आप इस वाले पे L2 वाले पे मैं इसको मार्क रखूँगा। मैं दोबारा मैंने स्कैन किया, तो मैंने ये स्कैन किया है तो मेरी सारी AP आ गए। आप नीचे देख रहे होंगे टोटल AP डिस्कवर्ड में 11 AP हो गए हैं। उसके बाद आप ये सारी जितनी AP आ गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इनको ऐड करते हैं अभी। तो मैं यहाँ चेक मार्क आप देख रहे होंगे मेरा राइट क्लिक पे, यहाँ चेक मार्क कर दूंगा मैं। तो मैंने चेक मार्क कर दिया, उसको मैं ऐड करता हूँ। ये मेरा जो AP का पासवर्ड है वो पूछता है, तो मैं इसमें जो AP मेरे पासवर्ड डलता है वो इसमें मैं डालूँगा मैं, ना कि कंट्रोलर का। कंट्रोलर का डालोगे तो ये AP ज्वाइन नहीं होंगे, तो इसलिए मैं AP का ही पासवर्ड डालूँगा। तो मैंने इसको AP का पासवर्ड डाला इसमें, देन इसको अप्लाई। तो आप देख रहे होंगे अभी ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, अभी थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्या है कि इसमें लाइसेंस डलता है मेरा। तो इसमें जब तक लाइसेंस नहीं डलेगा तब तक ये आपको 2 ही AP आप इसमें ऐड कर पाओगे। तो
तो मैं अभी लाइसेंस डालूंगा, और लाइसेंस डालने के लिए मेरी दूसरी वीडियो पर जाएं, वहाँ पर मैंने लाइसेंस का बताया हुआ है, तो लिंक है मेरा, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसका भी, और आई बटन पर भी है, यहाँ जाके आप इसको लाइसेंस कैसे डालते हैं वो देख सकते हो। तो मैंने सारे एपी में लाइसेंस डाल दिया है, मैं दोबारा इसको ऐड करता हूँ, तो मेरे ये 13 AP हो गए, अब मैं इसको ऐड करता हूँ दोबारा, तो अभी मेरे सारे ऐड हो जाएंगे क्योंकि मैं लाइसेंस डाल चुका हूँ मैं इसमें। अब लाइसेंस कैसे डालते हैं वो मैं आई बटन पर भी वीडियो दिया है आपका, वहाँ जाके आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके किस तरह हम लाइसेंस में अपग्रेड करते हैं। तो मैं इसको ऐड करता हूँ, अब मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ दोबारा, मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया अपना अप्लाई। तो आप देख रहे होंगे मेरे 50 वाला मैंने लाइसेंस डाला है, आप देख रहे कनेक्टिंग होने लग गया है, और जो मेरे हैं फ्रेम ब्रेक जो अपने ऑटोमेटिक अपग्रेड हो रहे हैं और प्रोग्रेस हो रहे हैं, ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे सारे अपने आप ऑटोमेटिक, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा ये ऑरेंज आ रहा है, तो ये मेरे रूट होने लग गए हैं सारे AP जो मेरे अपग्रेड हो गए हैं। इस तरह सारे आपके अपग्रेड होने हैं और सारे कनेक्ट होकर रिबूट होंगे, इस तरह हम AP को जॉइन कराते हैं नेटगेयर वाले के साथ में। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो अभी रिबूट हो रहे हैं, कुछ अपग्रेड हो रहे हैं, तो मेरे आप देख रहे होंगे मेरे जो आप अपर 10 दिखा रहे हैं, मेजर में 3 दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सही है मेरा। अब मैं सबसे पहले IP SSID और पासवर्ड कैसे डालते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो अभी कोई AP नहीं, इसलिए 0 दिखा रहा है मेरा, अगर कोई न्यू AP होता तो यहाँ पे मेरा AP सर्च होकर जाता। तो आप देख रहे हो सारे कनेक्टेड दिखा रहा है मेरा कंट्रोलर के साथ में, टोटल AP जितने भी कंट्रोल के साथ में कनेक्टेड हैं, ये कभी अपग्रेड कर रहा है फर्मवेयर, तो ये ऑटोमेटिक अभी आप जॉइन हो जाएंगे। तो अभी आपको SSID और पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं वाईफाई का वो मैं बताता हूँ आपको। तो हम जाएंगे सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ सब चेक कर लिया हमने, वायरलेस ये सब आपको जैसे है वैसे ही रखना है, ये टाइम देना है शेड्यूल के लिए, क्या कब रिस्टार्ट होना है, कब क्या करना है, वो सारा कुछ चाहिए। तो अब इसके बाद हम प्रोफाइल में जाएंगे, इस जगह हम आपको ID और पासवर्ड देते हैं, SSID डालेंगे हम पहले। तो मैं आप देख रहे होंगे SSID डाल रखी है मैंने, और पासवर्ड में भी पासवर्ड दे दिया है, सेकेंड 5G वाला भी है, तो ऐसे ही मेरे SSID और पासवर्ड दे दिया है। देने के बाद इसको हम सेव कर देंगे, सेव देन अप्लाई। तो इसी तरह सारा हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर कोई भी जब भी प्रॉब्लम होती है ना आपको, तो मुझे ज़रूर मेरे कमेंट में बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा पूरी पूरी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट टाइम कुछ नया लेके। आप देख रहे हो मेरा वाईफाई आ गया, एडमिन वाईफाई आ गया मेरा।